अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पाए हैं ये बीफ आए हैं या मटन पाए हैं? नहीं बीफ आए। बीफ आए हैं। अच्छा, तो ये मटन में जो है ना वो कॉस्टली ज़्यादा होता है, ग्राहक अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बीफ में ग्राहक अफोर्ड भी कर सकता है और गरीब और अमीर सब खा सकते हैं। हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफ़ी टाइट जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से स्मॉल सेटअप है मगर टेस्ट आपको यहाँ पे वीआईपी मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि बाबर भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पे चनों का काम करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा आपका नाश्ता काफ़ी फेमस है यहाँ गुलाम मोहम्मदाबाद में। यहाँ तो मुझे 5 साल हो गए, लेकिन बेसिकली ये हमारा काम जदी पुश्ती है। अच्छा, और हमें 35 साल हो गए ये काम करते हुए। 35 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारी दूसरी ब्रांच है वो सब्ज मंडी में। आपके पास मेन्यू में क्या क्या होता है? हमें हमारे नाश्ते में होता है जी चने होते हैं, पाए होते हैं, और हलीम होता है, और जर्दा चावल होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, और अंडे होते हैं, कोफ्ते होते हैं। अंडा कोफ्ता, हाँ जी, वो तो डेफिनेटली सबके पास ही चलते हैं। चने इनके देखते हैं जी कैसे लगाते हैं, ये चने लगा के दिखाएं जी कैसे लगा रहे हैं जी। तो मलिक बाबर के स्पेशल जो है क्रीम वाले चने सबसे पहले लगा रहे हैं। अच्छा क्रीम वाले चने क्यों कहते हैं? क्रीम वाले इसमें क्रीम डलती है भाई। अच्छा क्रीम डलती है, हाँ जी। तो साथ अंडा भी है? हाँ जी अंडा भी है जी। अंडा भी डालें जी? अंडा भी होता है इसमें, और साथ ये कोफ्ता। और ये कोफ्ता भी होता है? बीफ कोफ्ता या चिकन का? नहीं चिकन का है, चिकन कोफ्ता। हाँ जी। अच्छा ये जो अब प्याली तैयार हुई है इसका रेट क्या है बोला? इसका रेट हो गया जी आपका 240 रुपये। 240? अगर ये अकेले सिंगल चने लें फिर? 180 के। 180 के, तो 20 रुपये का अंडा और 40 रुपये को? 30 रुपये का, 30 रुपये का। अच्छा 30 का, ठीक है। 30 का अंडा और 30 का कोफ्ता और 180 की ये फुल प्याली। हाँ जी माशाल्लाह। तो इसके बाद आप लगाएंगे पाए? तो बाबर भाई जो है अब बीफ पाई लगा रहे हैं, ये चेक करें आप बीफ पाई का क्या है? ये पब्बी की बोटी है, ये बोटी जो बहुत अच्छी होती है, इसमें हड्डी नहीं होती। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तो बोटियां भी देख सकते हैं आप, और म्यार बड़ा जबरदस्त है। अच्छा बाबर भाई डेली बेसिस से पका रहे हैं? हां जी डेली 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 माशाल्लाह। तो ये शोरबा भी आ गया? हां जी, ये हमारे लिए माशाल्लाह सर्दियों में बहुत ज्यादा बिकते हैं, गर्मियों में बिकते हैं, ग्राहक तो लगे हुए हैं माशाल्लाह, ले जाते हैं सब रेगुलर ग्राहक, रेगुलर ग्राहक। तो इस प्याले का क्या रेट है? इसका 400 रुपये रेट है। 400 रुपये, जबरदस्त। तो नेक्स्ट आपका हलीम हम ट्राई करेंगे। हाँ जी, हलीम भी दिखाइए कैसे लगा। ठीक जी, तो अब हलीम लगा रहे हैं और हलीम चेक करें। चिकन हलीम है? हाँ जी हाँ जी, चिकन हलीम। चिकन हलीम, तो ये हलीम आप देख सकते हैं थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, और चिकन हलीम है आपके सामने। तो इसकी गार्निशिंग करेंगे, ऊपर क्या डाल रहे हैं? इसकी तरी होगी पहले? ठीक है, तो तरी के साथ उसकी लोकेशन अच्छी आ जाएगी वैसे, जबरदस्त। और इसके बाद इसके बाद ब्राउन प्याज होगा, ठीक है, क्रिस्पी क्रिस्पी, और ये सब्ज मिर्च हल्की कटी हुई बरीक बरीक जी, ठीक है जी। इसके ऊपर इसको मसाला होगा, चाट मसाला। अच्छा चाट मसाला, हाँ जी ये होगा। इसके साथ में ये नींबू होगा इसके ऊपर, और नींबू के रस डाल के मजा आ जाएगा। बाद में इसके साथ वो सलाद होती है, ठीक है। काफ़ी सारा लवाजमात के साथ ही चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा बाबर भाई मुझे ये बताएं कि इसके साथ आप रोटी देते हैं या नान देते हैं? रोटी भी होती है, नान भी होती है, जो आदमी चॉइस करे। अच्छा अच्छा, तो रोटी जो है वो तंदूरी है या घर की? रोटी घर की बनी होती है। अच्छा अच्छा, वो तवी की जो होती है रोटी होती है वो होती है। जो नान होता है वो हमारा तंदूर का होता है, नान 20 का देते हैं वो तंदूर का। अच्छा ये हलीम की प्लेट का क्या रेट है इसका? इसका 80 रुपये। 180? 180? हाँ जी हाँ जी, ये सिंगल होती है वो 8 रुपये, 100 रुपये की। ये 180 रुपये? हाँ जी हाँ, ठीक है। 180 रुपये के अंदर ये हलीम है, और पाए भी हैं 400 में, और इसके अलावा अगर आपने चने की प्लेट लेनी है कोफ्ता और अंडे के साथ, तो वो 240 रुपये की आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पे आए हैं गुलामाबाद में, इनकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट, इनकी लोकेशन है जी गवर्नमेंट शोधा APS मेमोरियल हाई स्कूल, इसके बिल्कुल सामने गुलाम अहमदाबाद में। मलिक बाबर क्रीम वाले चने के नाम से इनका ये स्टॉल मौजूद है। यहाँ पे आए और इनके इस मेन्यू को आपने लाजमी ट्राई करना है, और मुझे कॉन्वर्सेशन बताना है कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा।